कई टॉपिक दिए थे ना लिखने को हमने, कौन कौन से दिए थे? ई रूपी दिए थे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में से करेंसी के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, ठीक है। सीबीडीसी बोला था, सीबीडीसी टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में शेयर है, शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में कौन नहीं ऐड है? नहीं, आप जब लो, आप लोग जब व्हाट्सअप करिएगा तो मुझे, व्हाट्सअप किए हुए हैं ना आप लोग, एक बार वापस एक्चुअली व्हाट्सअप करिएगा मुझे तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। सीबीडीसी, ई रूपी, ई रूपी क्या है, किसने किसने लिखा है? हाथ उठाओ ना जरा, ई रूपी के बारे में किसने किसने लिखा है? तुमने लिखा है, गुड, अरे वाह, वेरी गुड, दो लोग। और किसी ने लिखा? तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा है? ई रूपी, सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वेरी गुड चरण। नियो बैंक, मतलब चरण को ही सिर्फ पढ़ना है, टॉप करना है, बाकी बच्चों को नहीं। तुमने यहां तन्नूर को, होमवर्क दिया ही ना करें आप लोगों को, कौन चेक करेगा होमवर्क? बच्चों की तरह होमवर्क थोड़ी चेक होगा अब, कि पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई जाए, पीटीएम किया जाए, भाई बच्चे आपके आते हैं यहां पे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, देखिए जरा। अच्छा, कल नियो बैंक के बारे में पढ़ के कितने लोग आए थे, पढ़ के आए थे कि नहीं? जो चार टॉपिक हमने बताए थे पढ़ के आए थे ना, तो क्या मिला था तुम्हें? नियो बैंक का सही है तुम्हारा, तीनों पैरामीटर नहीं पढ़े थे? नहीं, नियो बैंक के बारे में मैंने पढ़ाया ही नहीं था, मैंने नियो बैंक के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, वो करंट का टॉपिक था। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसके क्या हाल हैं? लिख लिया, वाह, वेरी गुड, इधर लाओ बेटा, जितने भी लिखे हो तुमने। नियो बैंक के बारे में पीडीएफ खोजो तुम लोग अभी, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके। यार गूगल अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, हर चीज जिस लैंग्वेज में चाहो एआई से आंसर्स ले सकते हो आप लोग, सिर्फ आप डालो, पुट करो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। दिन भर सिर्फ रील क्यों देखते हो? अपने प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज करो ना भाई, फोन को प्रोडक्टिव यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है। जितने एआई टूल हैं, गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, चैट जीपीटी पे अगर आप कुछ भी डालो, हिंदी में लिखो तो हिंदी में आंसर मिलेगा, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में आंसर मिलेगा, जिस भी लैंग्वेज में आप डालेंगे। जी हाँ, तो क्या पूछ रहा था मैं, क्या पूछा था मैंने? स्कीम्स देख रहा था।
नहीं स्कीम्स नहीं देख रहा था, कुल बोल रहा था मैं, क्या कह रहा था अभी? स्कीम बताई थी आपने लिखने? हाँ स्कीम्स लिखने को बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी स्कीमें बोली थी मैंने लिखने को, हमने लिखा हाँ एसडीजी वाले ना, एसडीजी 1 के अंदर कौन कौन से स्कीमें हैं, एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 4, ये जो मैंने स्कीमें लिखाई आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, उन स्कीमों को और एसडीजी को, जैसे पॉवर्टी पे आपके पास क्वेश्चन आया ठीक है मेंस में लिखने को, पॉवर्टी में ऐसे आया था, मैंने ऐसे दिया था ना लिखने को, गरीबी पे, गरीबी पे जब ऐसे दिया गया था तो वहां पे आप सुनो इधर सामने, गरीबी पे जब ऐसे दिया गया था तो वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना, आपके पास फैक्ट हो जाए। कमेटियां लिखाई थी मैंने, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ये सब कमेटियां लिखवाई थी ना, उन सब कमेटियों को भी गरीबी के ऐसे में नोट कर सकते थे कि नहीं? यूज कर सकते हो ना एप्लीकेशन कि फला कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये है, फला कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे इतनी गरीबी हमारे यहाँ, ये सब डाटा तो मैंने बताए हैं ना। उसके बाद स्कीमें कौन कौन सी चली, अगर आप एसडीजी 1 कोट करते हैं तो आप ये लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इतना टारगेट रखा गया 2030 तक हमें गरीबी फ्री होना है और उसके लिए सरकार ये काम कर रही है। अब ये कंक्लूजन में अगर आप लिखेंगे सरकार के प्रोग्रेसिव चीजें तो आपको नंबर अच्छे देगा ना। ये सब तो फैक्चुअल बेसिस पे आप बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हवा में बातें नहीं चल रही हैं। अब आप गरीबी को दूर करने के लिए आप बताएंगे हेल्थ सेक्टर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इस पार्ट के तहत, कौन से तीसरा पार्ट है हेल्थ वाला, हेल्थ वाला तीसरा पार्ट आप कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत ये है, इसकी ये स्कीमें चल रही हैं फला फला। तो आपका एजुकेशन, एजुकेशन से कैसे गरीबी दूर हो रही है आप वो कनेक्ट करिए, लोग शिक्षित होंगे, लोग रोजगार की तरफ अपने आप बढ़ेंगे, स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, ये फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी, ये सब पॉइंट जब डालेंगे तो कहां सब कनेक्ट हो रहा है, आपकी गरीबी दूर करने की तरफ ना, भुखमरी इसी तरह हेल्थ के सेक्टर के। क्लीन एनर्जी वाला अगर ऐसे आता है तो क्लीन एनर्जी वाली चीजें लिख सकते हैं कि नहीं, एसडीजी 8 है ना क्लीन एनर्जी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 वाला लिख सकते हो। जल जीवन मिशन जैसी स्कीमें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत हैं। तो ये आप कोट करेंगे, आप जब कोट करेंगे तो ये सब के आंसर्स आप क्या होगा, एनरिचमेंट होगा आपके आंसर्स के। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में भी आता है, यूपी के भी, यूपीएससी के भी। आप इसमें ये भी देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चलाए गए हैं, क्या महत्वाकांक्षी नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला, इन सबको जब कोट करेंगे आप तो आपको क्या लगेगा, आपका जो एस्से होगा, आपका जो आंसर्स होगा 200 वर्ड का, वो प्रूविंग फैक्ट के साथ लगेगा, कुछ कंपैक्ट आपने वर्क किया है। आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं साथ में उसके किसी एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के फैक्ट डाल देते हैं। आपने बोला कि महंगाई बढ़ रही है, कैसे पता चला आपको, ये प्रूफ देना पड़ेगा ना आपको। आपने सिर्फ लिख दिया महंगाई बढ़ रही है तो इससे कोई मांग लेगा क्या? आपको वहां पे ये बताना पड़ेगा भाई ये फला इंस्टीट्यूशन के सीपीआई ने ये डाटा निकाला था, ये सीपीआई का था इसलिए ये है, एनएसओ ने निकाला सीपीआई, इसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं। जब आप आंसर में ये बात लिखेंगे तो आपको नंबर तब मिलेगा कि आप एक लाइन और लिख के निकल जाएंगे तब मिलेगा। आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, आप लोग इतनी बार, मैंने कई बार क्वेश्चंस दिए, आप लोग इंट्रोडक्शन में पता चलता वही क्वेश्चन रिपीट, पहली लाइन ऐसा चालू होता है ये पूछा जा रहा, मतलब वही क्वेश्चन की लाइन ही स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन जब भी प्रस्तावना लिखा जाता है, जैसे आप अगर 200 वर्ड का आंसर लिख रहे हैं तो 25 से 30 वर्ड से ज्यादा आप इंट्रोडक्शन मत लिखिए, ठीक है, लगभग 30 वर्ड मान के चलिए इंट्रोडक्शन में डालिए, इससे ज्यादा मैक्सिमम 25 से 30 वर्ड में आप 2 से 3 लाइन में उसको क्लोज करिए। अब उसमें आप लिखेंगे कैसे, अब जो ये गोल्स मैंने लिखवाए, जो स्कीमें लिखवाई, या करंट में कोई इवेंट चला, मान लिया क्वेश्चन आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिफॉर्म का,
जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन मैंने दिया था एक लिखने को, तो आप वहां पे क्वेश्चन क्या आया, एग्रीकल्चर का आया। अब अगर आप इसके एग्रीकल्चर के डाटा से स्टार्ट कर दीजिए, एग्रीकल्चर का डाटा आप उठाएंगे, इतने लोग इस पे डिपेंडेंट है और इस फील्ड में ये रिफॉर्म किया जा रहा है, या कोई इमीडिएट सरकार ने कोई नए इनिशिएटिव लिए हो वो डिफाइन कर दीजिए, या एग्रीकल्चर सेक्टर को डिफाइन कर दीजिए, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है दो तीन लाइन में, जिससे आपको ये पता चले, उस प्रस्तावना से ये पता चलना चाहिए कि आप बॉडी में क्या लिखने जा रहे हैं। आपकी स्टार्टिंग ही तो बताती है, जैसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये शब्द सुने हो ना आप, पहली बार किसी से मिलते हो, अगर अच्छा आपका मेल जोल रहता है तो आगे कंटिन्यू करते हो, अगर आपका अच्छा मेल जोल नहीं रहता तो कंटिन्यू करोगे क्या, नहीं करते ना। तो ये चीजें, यही चीजें यहां पे, जब पहली दूसरी लाइन आपकी बकवास निकल जाएगी तो आगे जाओगे क्या, बताइए, नहीं पढ़ेंगे ना। कोई ये तो सोचेगा नहीं, नहीं अपना लाओ देखते कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो लिखा, कोई ये खोजने नहीं जा रहा टीचर, कहीं तो लिखा होगा, उसको ये दिखना चाहिए तुमने कहां लिखा है। इसीलिए आपको इजी लैंग्वेज में, इजी से इजी लैंग्वेज में आप लिखिए, और जैसे इकोनॉमी के लिख रहे हैं तो इकोनॉमी के टर्म याद करना सीखिए, पॉलिटी के आंसर लिख रहे हैं तो पॉलिटी के टर्म याद करना सीखिए, वो टर्म रहेंगे तो वो आपके वेटेज देंगे कि आप हाँ सच में पढ़े हुए हैं किसी भी आंसर्स में। अब जितनी स्कीमें मैंने लिखने को कहा, एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 14 में कौन कौन सी स्कीमें हैं, क्या है एसडीजी 14, क्या गोल है, ये 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। अभी सबको लग रहा होगा कैसे याद होंगे, स्टार्टिंग में तो याद हो जाएगा। आप देखो क्या है, पहले गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, फिर अच्छा स्वास्थ्य करो, फिर एजुकेशन करो, फिर जेंडर जस्टिस। अब जेंडर के ऊपर लिखने को तुम लोगों को इतनी बार मैंने एसे दिया, अब उसमें ये सब कोट करते तुम, एसडीजी 5 का गोल है, हमने भी हमारे यहाँ इस एसडीजी 5 के अंदर गोल में ये चीजें चल रही हैं, ये स्कीमें सरकार इनिशिएटिव भी ले रही, उसका ये रिजल्ट है, है? ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ा, अब पढ़ ले रहे हो ना। तो ये सब चीजें, जितनी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो आप कैसे अप्लाई करेंगे इसका भी जरूरी है सीखना। अब जितने कल के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे लगभग, आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, वो किसी को भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हर चीजें हमेशा मेमोराइज नहीं रहती, कंसंट्रेट ना हो, कुछ चीजों के लॉजिक बहुत ज्यादा लग जाए, तो ये नॉर्मल से एक दो क्वेश्चन तो समझ में आता है, लेकिन अब पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत जनरल और जो डे टू डे बेसिस पे लाइफ पे डिस्कस हुए हैं। अब जैसे पैसे वाला था, पैसे वाला किसका सही था, रुपए की वैल्यू रिवैल्यूएशन वाला। अब सोचो मैंने चार चीजें बार बार रटाई थी, अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, कितने एग्जाम्पल मैंने दिए थे, चाइना के से लेके फैट टैपरिन तक के अपनी कंट्री तक का कैसे महंगाई से रिलेटेड है ये भी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है, इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट घटता है कैसे, ये सब चीजें बताई थी मैंने क्लास में, और सभी लोग उस समय आ रहे थे, नए बच्चे भी, तब भी वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं थे, या तो आपने रिवाइज नहीं किया बार बार, सुन लिया जब पढ़ा रहे थे सर तब तो सुन लिया, उसके बाद आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। ये सब एक्चुअली में समस्याएं, देखो जब आप बार बार टेस्ट देंगे तो आपको चीजें, अपनी गलतियां पता चलती है। टेस्ट का क्या काम है, टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि आपको अपने कहां पे हमारा दिमाग वर्क नहीं कर रहा है, किस डायरेक्शन में क्यों नहीं काम किया, उसको एनालाइज करो और उसको अगले एग्जाम में दूर करो। तो ये जितने टेस्ट आप दिए रहेंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे, मैंने क्यों कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र आप उठा के लगाइए, आप जब उसके क्वेश्चन, अब ये है कि आप लोग उसको लगाते होंगे तो बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा उसका सलूशन पढ़ लेते होंगे, बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा उसका सलूशन भी बहुत से लोग पढ़ते होंगे, चलो पढ़ के खत्म करते हैं किसी तरह, ऐसा भी होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, करते हैं सब, हमने भी किए हैं कभी स्टार्टिंग में,
तो ये चीजें करने के बजाय आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ये देखो, जब टॉपिक आपने पढ़ लिया किताब से, उसके बाद उसके क्वेश्चन जब आप करने जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पढ़ के खुद से इन्फर करने की कोशिश करिए। जब आपका खुद का दिमाग वर्क कर लेगा तब उसमें इनपुट डाला जाएगा आंसर का, तो आपको वो चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, आपका लॉजिक लगेगा, तभी तो आपका लॉजिक लगेगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया, जैसे हम आपसे सिर्फ कह दें इस प्रोजेक्टर पे आप हमें 100 वर्ड का एस्से लिख के दिखाइए, आपके लिए मुश्किल होगा लिखना, ठीक है। अब हम इसे पार्ट में तोड़ दें, किस कंपनी का बना है, काम क्या करता है, अच्छा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कहाँ पे उपयोग होता है। अब ये पार्ट में टूटता हुआ चला जा रहा है, अब आपके लिए आसान होता जा रहा है। टीचर का यही काम है कि आपको चीजें सोचना सिखा दे। मैंने बार बार कहा कि 4-5 पॉइंट में आप तोड़िए किसी टॉपिक को, क्या है उसकी मीनिंग या डेफिनेशन, कैसे है, क्यों है और कहां से बिलोंग करता है, चीजें कहां पे इसका एप्लीकेशन होगा और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब हर चीज जो भी आई है उसके हमेशा फायदे ही तो नहीं होंगे ना, कुछ नुकसान भी होंगे, तो ये देखना पड़ेगा हमें डिसीजन लेते समय कोई क्या चीज देखनी पड़ती है, मैक्सिमम बेनिफिट क्या है। ज्यादातर हम यूटिलिटेरियन मॉडल पे वर्क करते हैं ना, उपयोगितावाद पे। कोई भी डिसीजन आप किस पे लेते हैं, उपयोगितावाद पे ना ज्यादातर। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अब घर से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जाए प्रोज कॉन्स क्या क्या है, तो आपके ये दिमाग में आएगा ना बहुत सी चीजें, प्रोज क्या हमारा काम है, निकलेगा, हम निकलेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, काम होगा हमारा, कुछ होगा। अब कई लोग निगेटिव पेसिमिस्टिक आ जाएंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है, वहां जाओगे काम नहीं होगा, अननेसेसरी तुम्हें टेंशन मिल जाएगी, धूप मिलेगी, हवा लू लग जाएगी, ये सब कौन से ना, काले हो जाओगे धूप में जाओगे। मतलब किसी टॉपिक को इन जनरल बता रहे हैं कैसे आपको रिलेट करना है, ये सब चीजें इसके कौन से। लेकिन आपको कहां देखनी है, प्रोडक्टिविटी पे। आप देख रहे हैं कि हमारा डे टू डे काम होना, भाई बाहर जाना पड़ेगा, हमें जॉब करनी है बाहर जाना, पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना है। इसी तरह हर एक टॉपिक पे तैयार करने को मैंने बोला था। अब मैंने आयुष्मान भारत भी बोला था आप लोगों को पढ़ने को, आयुष्मान भारत स्कीम कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आएगी, हैं किसमें, हेल्थ में, SDG 3 में, 3 में ना, जीवन स्तर ना। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जस्टिफाई करती, हाथ उठाओ, वाह बताओ अग्रणी। पहले पहले यार एक हाउसिंग वाला है, गरीबी में भी रहेगा, दो में रहेगा, ये गरीबी रहेगा, गरीबी भी हो सकता, और उसमें भी होगा एक घर प्रोवाइड करने वाला। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ा, नीली क्रांति, नीली क्रांति कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आएगी, बताओ, 14 में ना, जमीन के अंदर ना, ठीक है। सौर ऊर्जा मिशन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, 7, गुड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कौन से एक्ट, कौन से SDG गोल को जस्टिफाई करेगा, क्या हुआ तुम्हें, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल वाला भी नहीं, एक है SDG गोल, देखो SDG 13 होगा, उसका फुल फॉर्म देखो, मैंने तो 2 लाइन लिखाया था, जलवायु परिवर्तन है उसमें, उसी में डिजास्टर वाला भी होगा, आगे नहीं लिखवाया लाइन, SDG 13 में ही होगा, या SDG 15 क्या है,
SDG 13 में आएगा वो। सभी चीजों पे जब आपने लिखा होगा SDG गोल पे स्कीमें, तो आपको चीजें रिलेट हुई होंगी काफी चीजें वर्क करने से। तो अब आप इसका एप्लीकेशन कर लेंगे जब क्वेश्चंस में आएंगे, चाहे ऐसे हो चाहे आपके आपका फर्स्ट पेपर में भी सोशल जस्टिस वाले पेपर आते हैं, सोशल जस्टिस वाले टॉपिक है ना वहां पे GS 1 में, मेंस में कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, जेंडर इशू है, पॉवर्टी इशू है, फर्स्ट पेपर में है ये सब। नहीं देखा सिलेबस ही आज तक? देखा है ना, वहां से भी ये यूटिलाइज होगा। आज चलो हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम, कराधान। टैक्सेशन सिस्टम एक्चुअली में हो क्या होता है, टैक्स किस पे लगता है, जो आप काम करते हैं, जो आप इनकम बनाते हैं उस पे टैक्स लगेगा, या कोई चीज सेल करते हैं उस पे टैक्स लगता है। सरकार क्या करती है, कुछ पार्ट जो आप काम करते हैं कुछ परसेंटेज उसका रेवेन्यू के रूप में लेती है, अपने रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में लेती है। क्यों? क्योंकि सरकार को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर स्टेट है, टैक्स लगाती क्यों है सरकार, टैक्स के इनकम का सोर्स है। ठीक है, एक तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनेगी इससे, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं तो आप सरकार से ये कह सकते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं हमारे पैसे कहां यूटिलाइज हो रहे हैं, आपका एक राइट्स प्रोटेक्ट हुआ। दूसरा, सरकार टैक्स एक्चुअली में कहा जाता है कि 1% या 10% के लोगों के पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, लगभग 90% वेल्थ इन लोगों के पास है, तो सरकार को क्या करती है, सरकार रिडिस्ट्रीब्यूट करती है ना, सोशल जस्टिस सब में करती है, समान रूप से सबके पास सुविधाएं पहुंचने लगे, रिसोर्सेज। अब कुछ लोगों के पास अगर सिर्फ पैसे रहेंगे तो ये पैसे और लोगों को रिसोर्सेज ये एक्सेस नहीं होगा ना। सरकार का काम है वेलफेयर स्कीमों के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करती है, वो दूसरे अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करती है कि वो अपना काम धाम कर सके, वो मेन स्ट्रीम में आ सके, उनकी गरीबी दूर हो सके, उनको रोजगार मिल सके, और उनको भी वो सारी सुविधाएं मिल सके जो एक जिंदगी जीने के लिए नेसेसरी हैं। उसके बाद उनका काम है अपना डेवलपमेंट खुद करना, पहले आप उनको एक बेस अवेलेबल करा दो, उसके बाद उन्हें फ्री विल उनका काम करने दो, फ्री वर्क। तो सरकार पैसे जब लेती है तो वो साइकिल के फॉर्म में चलेगा ना। गवर्नमेंट अगर यहां पे बैठी है, यहां लोग हैं, यहां लोग हैं, कहीं से ज्यादा टैक्स कहीं से कम टैक्स, कुछ लोगों को टैक्स में फ्रीडम देती है, फिर कहीं पे खर्चा करती है, कहीं पे खर्चा करती है, तो ये एक्चुअली में इसी तरह साइकिल चलती रहती है। टैक्स मान लिया कहीं से कलेक्शन, अब कई तरह के टैक्स सिस्टम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मान लिया आपकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। तो इसमें जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आज आपकी 10 लाख इनकम है, तो आता है आप बजट में देखते होंगे कि आप इससे इस स्लैब वाले टैक्स में 0 से 5% या 10% वाले स्लैब में है, लेकिन जैसे ही 10 लाख या 30 लाख के ऊपर आप जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 30 लाख से 1 करोड़ आपकी इनकम है, तो आपके पास ऊपर 30% लगने लगता है टैक्स, ऐसे स्लैब बनते हैं। 20% लगा, जैसे 10 से 20 लाख के बीच में इनकम है तो 20% का स्लैब हो गया आपका। आपकी अगर एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है तो आपको 20% के अराउंड टैक्स देने पड़ते हैं। और कई कम इनकम ग्रुप जैसे 0 से 5 लाख के बीच में जो इनकी इनकम है उनको टैक्स फ्री भी किया गया है, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। और कई तरह की स्कीमें सरकार ऐसी भी देती है जिसमें आप टैक्स छूट भी पा सकते हैं, जैसे बीमा करा लेना कहीं पे 80C के तहत प्रधानमंत्री राहत कोष में देने पे आपको छूट मिलती है,
इस तरह की कुछ स्कीमें सरकार चलाती है जिसमें आपको छूट मिलती है, लेकिन वो सरकार वहां भी रेवेन्यू जनरेशन करती है। जैसे एनजीओ में आप वेलफेयर का काम कर दीजिए, कई क्या होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत से एनजीओ खोलते हैं, सीएसआर खोलते हैं, तो वो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब काम कर ही रहे हैं तो सरकार वहां पे छूट दे देती है टैक्स में, जिससे आप वेलफेयर काम को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो टैक्स का एक प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल समानुपात, प्रोग्रेसिव मतलब समझ में आ रहा सबको क्या होता है? प्रोग्रेसिव से कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ता है। और इसी तरह और भी टैक्स सिस्टम है, सेस है, सरचार्ज है, ये सब हम लोग आज एक एक टर्म को क्लियर करेंगे और जीएसटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चला टैक्स सिस्टम क्यों, टैक्स सिस्टम से जो पैसे आएंगे रेवेन्यू जनरेट होके वो कहां पे यूज होगा? पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर में बहुत सी चीजें आएंगी ना, सोशल जस्टिस, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। इनकम अगर एक लोग कुछ परसेंट सोसाइटी के लोगों के पास अक्यूमुलेट हो जाएगी तो इकोनॉमी वर्क नहीं, तब भी नहीं कर पाएगी ना, डिमांड और सप्लाई का गैप हो जाएगा। आपको डेली जरूरत की चीजें जो चाहिए वो आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो आप कहाँ से सामान खरीदने जाएंगे? तो बड़ी कंपनियां क्या सरवाइव करेंगी ज्यादा दिन तक? नहीं करेंगी। हमने कीनीज इकोनॉमी का वो दिया था एग्जाम्पल, उन्होंने कीनीज मॉडल का, एडम स्मिथ मॉडल पहले था 1929 में, जब डिप्रेशन आया वर्ल्ड में, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तब क्या आया? कीनीज मॉडल। कहानी बताई थी ना बैठ के, सब आए हुए थे उस समय, नहीं रहा ना? सब कहानियां भूल जाते हो क्या यार, इतना चिल्ला चिल्ला के यहां बैठ के? तो कहानी मैंने बताई थी यार। कीनीज मॉडल किसको किसको याद है? सुना ही नहीं, सुना नहीं था उस दिन जब अमेरिका में डिप्रेशन पढ़ा रहे थे कि अमेरिका में डिप्रेशन आया उसके बाद ये पॉलिसी आई। अरे जिस दिन इंश्योरेंस वाली घटनाएं पढ़ाई थी यार, उसी दिन तो पढ़ाया था मैंने। यूएस के डिप्रेशन होने के बाद ही एक्चुअली में कुछ पॉलिसी आई थी ना इंश्योरेंस वाली, तो हमने ये भी तो उसी समय बताया था। एडम स्मिथ की पॉलिसी क्या थी 1929 में, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वार वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली कंडीशन याद है कुछ? याद आया? ये सब कहानी मैंने बैठ के बताई थी ना, तब उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला था कि सरकार को वेलफेयर के फॉर्म में काम करना चाहिए, कुछ सरकार का इंटरवेंशन मार्केट में होना जरूरी है। तो उसी तरह अगर कुछ लोगों के पास पैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन, सरकार टैक्स के थ्रू रोड बनवाना है, पावर प्लांट बनवाना है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब कैसे होगा? सरकार के पास इनकम सोर्स तो होना चाहिए ना, सरकार के पास इनकम सोर्स होगा तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जो गरीब लोग हैं, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं, उनको वेलफेयर में वर्क करेगी। इसीलिए ये टैक्स सिस्टम लगाया जाता है। अब टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया, उसके रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए, तब भी दिक्कत है। टैक्स सिस्टम बहुत कम हो गया, तब भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अब ये टैक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। टैक्स के प्रिंसिपल क्या होंगे? एक तो रूल्स बहुत आसान होना चाहिए, और वो इस लेवल का होना चाहिए कि लोग देना खुशी खुशी देना स्वीकार करें, और लोगों को पता हो किस लिए दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रूल हो, मतलब पारदर्शिता हो रूल्स में। किसी भी, एक तो ऑनलाइन सिस्टम हो जाए ज्यादा आसानी से लोग पे कर सकें, उनको जोर जबरदस्ती ना किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, परसुएशन। लोग एक्चुअली में जब कोई रूल्स तब कब लागू किया जा सकता है? को एक होता वर्ड लीगल और एक होता लेजिटिमेट। पॉलिटी में पढ़ाया होगा आप लोगों को, आर्टिकल 14 पढ़ाते समय लेजिटिमेट और लीगल। लेजिटिमेसी, ठीक है, ये टर्म आप लोग पढ़िएगा पॉलिटी में, फिर छोड़िए। क्या उस समय पढ़ाया गया हो रहा होगा? पढ़ाया
पढ़ाएगा तो बताओ एस्टिमेट क्या होता है। लेजिटिमेसी कहाँ हुई, क्या होती है लेजिटिमेसी, गूगल करो। वकील साहिबा बताइए लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है। अच्छा इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दो, लेजिटिमेट क्या होता है। क्या है लेजिटिमेट मतलब हिंदी में, मतलब वैधता, वैधता क्या मतलब है यहाँ। लेजिटिमेसी किसी लॉ की लेजिटिमेसी, देखो एक होता है कानून बनना, एक होता है कानून का एक्सेप्टेंस होके बनना। कौन है, कोई आया क्या। लेजिटिमेट लॉज वो होते हैं जिनका पब्लिक एक्सेप्ट करती है आसानी से फॉलो करना, वो क्या कहलाएंगे लेजिटिमेट रूल्स। और जैसे कुछ कानून ऐसे बना दिए जाए और फॉलो करना ही लोग ना चाहें तो वो लॉ सिर्फ लॉ रह गया, वो लेजिटिमेट नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक के एक्सेप्टेंस नहीं है उन चीजों के लिए। तो कई बार आप लोग पढ़ते होंगे जब कि कुछ लॉ ऐसे बन गए हैं जो लोग फॉलो ही नहीं कर पाते, जिनका पब्लिक एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मान लिया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, अब उस कानून की एक्सेप्टेंस है नहीं सोसाइटी में कि लोग उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित हों। जब आप किसी कानून को फॉलो करने के लिए प्रेरित होते हैं, आप उसके प्रोज कॉन्स जानते हैं, तो वो क्या हो जाएगा लेजिटिमेट, लेजिटिमेसी कहलाती है। ये यही बता रही थी कानून वकील साहिबा। समझे ये वर्ड एक्चुअली में जब पढ़ाया, जब बताया जाता है कई बार हो सकता है उनके मिस कर वो चीजें बाद में पढ़ाएंगे हो सकता है किसी टॉपिक पे। तो ये होता है जब किसी चीज का, हाँ किस टॉपिक पे थे हम लोग, कर का, कर रूलों का क्या होता है लेजिटिमेट होना आवश्यक होता है। जब आपके ऊपर कोई टैक्स लगाया गया आप उससे बर्डन ना फील करें, आपको ये ना लगे कि आपकी इनकम को छीन लिया जा रहा है, ऐसा ना फील हो, आपको लगे कि वो वेलफेयर काम में यूज होगा, इससे हमारी डिमांड बढ़ेगी, सोसाइटी को फायदा होगा। अब बड़ी कंपनियां जब कॉरपोरेट टैक्स होते हैं, इतना टर्नओवर उनका प्रॉफिट होता है, उसके बाद उन पर टैक्स लगाया जाता है, उनके तो बहुत से टैक्स जाते हैं, कॉरपोरेट टैक्स बहुत बड़े होते हैं ना, कॉरपोरेशन टैक्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब उनको क्या लगता है, अब उनको तो टैक्स अवॉइडेंस और 50 तरह की चीज़ें कई बार हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादातर पूरा टैक्स कंप्लायंस करती हैं, टैक्स रूल्स को फॉलो करती हैं। रीज़न, उनको ये पता है अगर सरकार अदर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे खर्च करेगी, उनको डेवलप करेगी, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी ना, इनका बिजनेस बढ़ेगा, लोग इनके यहाँ एम्प्लॉय होंगे, इनका पूरे देश में बिजनेस फैलेगा, तो उनको कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म क्या देख रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी क्या खेल खेलती है, लॉन्ग टर्म गेम खेलती है, उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो उसको एथिक्स, बिजनेस एथिक्स पे रिलाई करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपको वो कंपनी बनाई और वो कंपनी बहुत दिन तक चलानी है, आप क्या उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। और ना ही एथिक्स, पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट, पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम आपको करना पड़ेगा कि उनका अगर कोई कंप्लेन हो तो उसको रिजॉल्व की जाए, यही होगा ना। आप क्वालिटी सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि कंपनी आपको लॉन्ग टर्म चलानी है। ज़्यादातर देखते होंगे जो कंपनी का ओनर होता है वो बहुत डाउन टू अर्थ पाया जाता है, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं नीचे वाले, वो उनका पारा और ईगो आसमान पे होता है,
क्योंकि उनको पता है वो इम्प्लॉय हैं, कितने दिन रहेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो ओनर बैठा है उसको अपनी कंपनी रन करनी है, उसको पता है कुछ चीजें इधर उधर हुआ, तो वो कहीं पे अगर आपकी भी फॉल्ट है तब भी वो एक्सेप्ट करके किसी तरह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी भी देखोगे जो बड़े सीईओ या एमडी होते हैं उनके जब स्पीचेज आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इनके अंदर ऐसी कोई एरोगेंस या कोई चीज नहीं पाई जाती है। आता है ना, सुना होगा आप लोगों ने स्टेटमेंट, बहुत से लोगों की स्पीचेस देखी होंगी या सोशल मीडिया पे आप लोगों के प्रेजेंस हैं तो बहुत से बड़े बड़े एमडीज और सीईओ सबके देखते होंगे ना, ये लोग किसी भी विवाद में इन्वॉल्व नहीं होते, होते इन्वॉल्व, कितना अटैक होता है, पॉलिटिकल अटैक भी हो रहा है, विपक्ष भी अटैक कर रहा है, पक्ष भी अटैक कर रहा है, कोई मीडिया कुछ बोल रही है, कोई मतलब नहीं इन्हें। इनको किस पे फोकस है, अपने काम पे, इनको पता है प्रॉफिट कहां बनाना, कैसे कंपनी रन करनी है। अगर वो हर जगह हर बात पे जवाब देने आ जाएंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के जो इनके कस्टमर हैं उनका भरोसा कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना। हर बात पे आप विवादों से घिरने लगेंगे तो कभी कोई नहीं बोलने आता। कभी सुना अदानी अंबानी या एयरटेल या टाटा ग्रुप, कभी देखा आप लोगों ने, कभी नहीं देखा होगा ये लोग कभी पब्लिक ऐसा कोई स्टेटमेंट, इनका कोई ऑफिस का कोई मेमोरेंडम जारी होगा क्लैरिफिकेशन का बस। और जब ये लोग स्पीचेस भी देने आते हैं तो बहुत डाउन टू अर्थ स्पीचेस होती हैं इनकी। इन्फोसिस के चेयरमैन साहब हैं, क्या नाम है उनका, मूर्ति जी, इन्फोसिस के चेयरमैन का नाम नहीं पता, नारायण मूर्ति ना, उन्होंने बनाई थी कंपनी। अब उनके हस्बैंड वाइफ को देख लो, उन लोगों ने जमीन से उठ के इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की है, उन लोगों का बिहेवियर देखा कभी, बहुत आपके आप लोग जब देखते हैं बातचीत करते हैं उन लोगों को तो आप लोग लगेगा ये तो कॉमनर की तरह ही है, और सब लोग ह्यूमन बीइंग ही हैं, क्योंकि जहां से उनकी परवरिश हुई, जहां से वो लोग उठ के बनाए हैं, उनको कंपनी रन करानी है। तो इसीलिए डाउन टू अर्थ बिहेवियर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में हेल्प करता है। ये चीजें कंपनियां इसीलिए टैक्स, अब टैक्स का रूल्स क्यों कहा जा रहा है कि आसान हो, लोगों की समझ में आए, पारदर्शिता हो उसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो ये सब होने से क्या होगा, आप रूल्स का एक्सेप्टेंस भी हो, इतना ज्यादा भी टैक्स ना हो कि आपको बर्डन लगने लगे और इतना कम भी ना हो कि सरकार का नुकसान होने लगे, इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा ना, जिससे आप एक्सेप्ट करके आराम से टैक्स दें। बहुत ज्यादा टैक्स हो गया तो आप 50 तरह के लूपहोल ढूंढने लगेंगे। अब इस पे एक कर्व आप लोग पढ़े थे, लफार, गुड, वेरी गुड, टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन पे पढ़ा था ना, लफार कर्व, टैक्स रेट बढ़ता है बहुत ज्यादा, एक लेवल तक तो लोग पे करते हैं टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, और एक लेवल बाद डाउन हो जाएगा, कुछ ऐसा कर्व था ना, ऐसा ही था ना कुछ, लफार कर्व। तो ये क्या कर रहा था, बैलेंस मेंटेन कर रहा था ना कर्व। तब पहला आप लिखोगे कर के बारे में, आप लोग समझ गए कर क्यों लग रहा है, इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई ना, टैक्सेशन सिस्टम क्यों है समाज में, क्यों सरकार लेती है टैक्स, और कैसे कौन लोग पे कर देंगे आसानी से, आप लोगों की इतनी जितनी कहानियां समझाई गई आपको इसे ये समझ में आया, ट्रांसपेरेंट होना क्यों जरूरी है, आसान रूल होना क्यों जरूरी है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं टैक्स पे करना, आपको कई बार ये लगा हो कि भाई अपना कमाई किया पैसे हम क्यों दें सरकार को, बहुत से लोग क्वेश्चन ऐसे करते मिल जाएंगे ना, भाई सरकार हमसे क्यों पैसे लेती, आप सड़क पे चलते हो, बिजली पानी और ये जो स्कीमें चल रही हैं ये सब किससे फंडिंग है, ये वेलफेयर स्कीम है ना, एक वेलफेयर स्कीम उधर भी चलती है, एक भी बच्चे नहीं आ रहे स्कीमों का, ये बताओ किसके लाभार्थी ही नहीं लाभ लेना चाहते, कौशल विकास योजना है उधर, सबको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, तो बच्चों की ना अवेलेबिलिटी भी, लाभार्थियों का पार्टिसिपेशन ना होना भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीमों का फेल्योर का रीजन है। कहीं भी हो, जितना ज्यादा पब्लिक अवेयर होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा।
आज आपसे 10 साल पहले 20 साल पहले की कंडीशन देखो और अब की कंडीशन में, चीजों में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है और काफी तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो गई, ई गवर्नेंस जितनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है छोटी छोटी चीजों पे। तो अपनी चीजें जब आप खुद करने लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वरना अब अगर गवर्नमेंट आपके यहाँ बिजली पानी सड़क ये सब अवेलेबल करा दे तो आप अपना काम खुद करेंगे ना। शिक्षा मिल गई, आप अपना काम खुद करेंगे ना, आप क्यों रोज ऑफिस के चक्कर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। आपकी डे टू डे लाइफ की जब जरूरतें पूरी नहीं, किसी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रही, तो आपकी चीजें वैसे ही इंप्रूव हो गई। और इसी तरह आपके जब अवेयरनेस जितना ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा चीजों की स्कीम ये सब अच्छे से लागू भी होंगी, इंप्लीमेंटेशन भी होगा। तो आप पहला लिखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या कौन कुछ बोल रहा है क्या? इसमें एक था पॉइंट, स्वर्ण सिंह की कमेटी आई थी, आप लोगों ने सुना है स्वर्ण सिंह की कमेटी? किसने किसने सुना है? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आई थी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जब स्वर्ण सिंह की कमेटी आई थी, स्वर्ण सिंह ने कहा था कि कर टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल कर दिया जाए, इन्होंने ये बात कही थी। अभी आर्टिकल 51A जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें वह है, तो उन्होंने कहा था इसको उसमें शामिल कर दिया जाए, बट सरकार ने मना कर दिया था क्योंकि बाद में वो जस्टिसिएबल नहीं है। सिर्फ एक तरह से बस आपको वो डायरेक्शंस दे दिया गया कि आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करिए। कर का लिख लो आप, जब एक प्राधिकरण या सरकार ये पहले कर की डेफिनेशन लिख रहे हो आप, कराधान की। प्रोग्रेसिव वाला रुको भी कट कर दो ना जरा, अच्छा लिख तो ली हो तब क्या, तब तुम मत लिखो, तुम प्रोग्रेसिव लिखना या टैक्स का मतलब समझ में आ गया हो तो मैं प्रोग्रेसिव लिखवा दूं, टैक्स छोड़ दूं मैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स वाला लिख लो। जब एक प्राधिकरण या सरकार अपने नागरिकों या निवासियों या निगमों या कंपनियों जब एक प्राधिकरण या सरकार अपने नागरिकों निवासियों या निगमों कंपनियों पर शासन संबंधी कार्य संचालन के लिए वित्तीय दायित्व तो डालती है तो उसे कराधान कहा जाता है। अनैच्छिक वित्तीय दायित्व डालती है तो हमने आप बना के लिख लो यार। टैक्स क्या होता है, टैक्स तुम लिख लो। उसे कराधान कहा जाता है। अब इसमें दूसरे टर्म लिखो, एक करापात होता है, करापात। करापात तुम तो हिंदी मीडियम से हो ना, इंग्लिश में बोलें क्या, कितने लोगों का मैंने इंग्लिश में बोला जाए,
लिखो करापात, अभी 20 की इंग्लिश बता देंगे, अभी लिख लो करापात। करापात उस व्यक्ति पर पड़ता है, करापात मतलब इसको आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये जो कर आप पे लगाया जाएगा आप किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति पर डालने पर असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए व्यापारी, उदाहरण के लिए व्यापारी ट्रांसफरेबल नहीं होता है भाई, आप इसमें दूसरों के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कराघात, लोग इकोनॉमिक टर्म पे हंसी क्यों आ रही है? कर धन आघात, कराघात का संबंध उस व्यक्ति या आर्थिक इकाई से होता है, या आर्थिक इकाई से होता है, कराघात का संबंध उस व्यक्ति या आर्थिक इकाई से होता है जो कर को सरकार के कोष में जमा करता है, जो कर को सरकार के कोष में जमा करता है। जो कर को सरकार के कोष में जमा करता है। इस व्यक्ति की यह पूर्ण जिम्मेदारी होती है, इस व्यक्ति की यह पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि सरकार द्वारा जो धनराशि कर के रूप में जमा करने को कहा गया है उसे नियमित रूप से जमा करें, जो धनराशि कर के रूप में जमा करने को कहा गया है वह उसे नियमित रूप से सरकार को जमा करें। अगला टॉपिक कर आधार, कर आधार, अगला टॉपिक कर आधार। माल और सेवाओं पे लगाया जाने वाला कर, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाने वाला टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? कर आधार, बेस टैक्स। अगला है कर विवर्तन, कर विवर्तन। कर विवर्तन एक पढ़े थे आप लोग, करापात सबसे पहला ना, उसमें ट्रांसफर नहीं कर पाता, कर विवर्तन में आप ट्रांसफर कर लेते हैं। करापात उस करा कर विवर्तन, जब करदाता कर के भार को दूसरे व्यक्ति या आर्थिक इकाई पर टालने में सफल हो जाता है। कर विवर्तन कब होगा? जब आप अपना टैक्स सिस्टम दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने में सफल हो जाएंगे।
अब अगला लिखना, स्वतंत्र भारत में कर सुधार का विकास, कौन कौन सी समितियां आई हैं कर सुधार को लेके? क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश बता रहे हैं अभी? कराघात, करापात की इंग्लिश क्या है? टैक्स बर्डन ना, कराघात में टैक्स डिजास्टर लिख लेना, टैक्स डिजास्टर नहीं होगा, आघात की क्या होगी? टैक्स इंपैक्ट वही होगा, कुछ इंपैक्ट ऑफ टैक्स ही होगा। एग्जैक्ट टर्म क्या है अभी मुझे देखना पड़ेगा बुक से, रुक जाओ बता देंगे अभी। पहले लिख लो वो, स्वतंत्र भारत में कर सुधार का विकास, स्वतंत्र भारत में कर सुधार का विकास। अब इसमें कमेटियों के नाम आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? कमेटीज कौन कौन है? पहली कमेटी है चलैया कमेटी, चलैया समिति 1991 और 93 में आई थी, चलैया समिति या चलैया कमेटी 1991 से 93 के बीच में। क्या हुआ, नहीं तो फिर सही हो रही है, थकान ज्यादा, रेस्ट कर लो ना 2-3 दिन, सही हो जाएगी फिर। इन्हीं की सिफारिशों से भारतीय कर व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हुई, इनकी सिफारिशों से, इनकी ही पहली सिफारिश थी, सिफारिश मतलब सजेशन, रिकमेंडेशन, हाँ रिकमेंडेशन भी हो सकता। कर प्रणाली में सुधार की शुरुआत हुई, कर प्रणाली में सुधार की शुरुआत हुई। कौन सा, अच्छा उसकी बुक है क्या ये, एनसीईआरटी की? अच्छा वो तुम जो बुक दिखा रही थी, ठीक। अगला झा समिति, झा झा जे एच ए झा समिति, झा हाँ झरना वाला झा, झा समिति। बिहार की तरफ आप लोग नहीं गए हैं क्या, वहाँ झा लोग पाए जाते हैं, सरनेम होता है वहाँ झा, ओझा भी होते हैं। 1986 में आई है, 86 में, 1986। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? मूल्य वर्धित कर की शुरुआत, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर शुरुआत की जाए, हाँ मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की जाए। मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की जाए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार कर उसे संशोधित मूल्य वर्धित कर बदला जाए, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स बनाया जाए, मूल्य वर्धित कर में बदला जाए, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला समिति है विजय केलकर समिति, विजय केलकर। अगली समिति है विजय केलकर समिति, विजय केलकर 2002 में, इनका रिकमेंडेशन थी संपत्ति कर को हटाया जाए, संपत्ति कर को हटाया जाए,
न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त किया जाए, न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त किया जाए। अगला 2003 वाला अगला है, केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स ये 2003 में गठित हुआ। केलकर टास्क फोर्स केलकर टास्क फोर्स था, एफआरबीएम आया और जीएसटी की सिफारिश किया इन्होंने। एफआरबीएम, एफआरबीएम एक्ट पे कल क्वेश्चन आया था ना, उसका सिर्फ पहला सही था, एलिमिनेट वाला गलत था। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट कम करने का प्रोविजन था, खत्म करने का नहीं। एफआरबीएम और जीएसटी की सिफारिश किया। ये कुछ कमेटियां थी जिन जो एग्जाम्स में कभी कभार पूछी जाती हैं कि चले या समिति किसके लिए थी, एक लाइन में पूछ लिया जाता है। और कब आया था ये एक्चुअली में मैच मेकिंग में भी आता है। अगर घटनाचक्र के क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे तो वहां पे ये मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अब लिखो टैक्स प्रणाली की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस पे बेस होता है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स अभी बताया ना मैंने, क्या क्या चार पांच तो बताया ना, एक फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक समान रूल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, और बताओ और क्या होगा। हाँ उसका प्राइस, लिखो फाइव प्रिंसिपल ऑफ, पांच प्रिंसिपल लिखो इसके। फेयरनेस, फेयरनेस मतलब निष्पक्षता, फेयरनेस। नोट्स बना रहे तो ऐसे लिख लो प्रिंसिपल्स, उसके बाद ऐसे लिखो फेयरनेस। गोरा हो रहे हैं ना, गोरा होने की क्रीम, फेयर हैंडसम, फेयरनेस। दूसरा है एफिशिएंसी, दक्षता, एफिशिएंसी। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, प्रशासकीय सरलता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। तुम लोगों को हैबिट लग गई ना इंग्लिश वाली, आसान लगती है अब सुनना ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, प्रशासकीय सरलता। अगला फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लचीलापन मतलब रूल्स जब जरूरत हो तब चेंज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी मतलब आसानी से हमें एक्सेसिबल हो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज उनका एक्सेस आसानी से होना चाहिए ना, हमें उनके साथ डिस्कशन कर सके, अगर कोई रूल्स नहीं पता तो उनसे बात कर सके। अगला पांचवा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता,
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस। आपको पता चल गया मैंने अभी समझाया क्यों होना चाहिए फेयरनेस आपको। इफिशियंसी, दक्षता, एक्चुअली में लीस्ट कॉस्ट पे, मतलब क्या अगला लिखो, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, कराधान के प्रकार। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो आपसे डायरेक्टली, जैसे आपको सैलरी मिल रही है उससे ले लिया जाए, आपने कोई बिजनेस लगाया उसकी जो प्रॉफिट हुई उस पर जो टैक्स लगाया गया, ये क्या हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होंगे, आपने कोई सामान खरीदा उस पर जो टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगा मिलता है ना वो प्राइस के साथ जुड़ के, वो क्या हो गया अप्रत्यक्ष कर। कस्टम ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर, सेल्स टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर है ना। जो आप इनकम जनरेट करें उस पर डायरेक्ट लगे वो क्या हो गया प्रत्यक्ष कर। तो लिख लो फिर, जो डायरेक्टली पे किए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो गए, जो इनडायरेक्ट वे में पे किए जाएं। एग्जांपल्स लिख लो सबके अपने आप ही आपको याद रहेगा। एक्साइज हो गए, सेल्स टैक्स हो गए, कस्टम ड्यूटी, ये सब किस में हो गए इनडायरेक्ट टैक्स में। लिस्ट बना लो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आएंगे। टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है डायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या वो तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो, याद है? हाँ आधा लिख लिया। एग्जाम्पल्स बाद में लिखो। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, जो एक्चुअली बॉन्ड खरीदते बेचते हो ना उस पर भी तो टैक्स लगता है, उससे आपको इनकम मिलती है, वो डायरेक्ट टैक्स आपके उससे कटेगा ना। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट करो तो वहां कुछ टैक्स लगता है ना, वो आपकी इनकम से। बताओ बेटा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज को उसमें हिंदी में कहते हैं सुरक्षा, नहीं नहीं सुरक्षा, प्रतिभूतियां कहते हैं इकोनॉमी टर्म, इकोनॉमी प्रतिभूतियां। लिख लिया ना, उसमें लिख लो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आते हैं। सर्विस टैक्सेस, इंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते हो वहां भी टैक्स लगता है ना, जाना है बेटा। इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, कस्टम ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, W नहीं, V फॉर विक्ट्री। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, हाँ बिक्री कर, सही है, गुड। अब लिखो मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। हिंदी बोलेंगे क्या इसकी, हिंदी बोलने की जरूरत तो है नहीं,
कराधान के तरीके ना। पहला लिखो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब इतनी हिस्ट्री पहले लिखवानी थी ना, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया सर। बता तो दिया था लेकिन अब ये सब चीजें कैसे लिखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझ में आया? समझाया तो था अभी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? छुट्टी चाहते हैं सर। इतनी जल्दी कहाँ यार, अभी तो बहुत टाइम है। क्या हुआ, थक गए क्या अभी? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होगा? इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इंडिया इसका एग्जांपल है। इंडिया क्या एग्जांपल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का? अभी स्लॉट बताया ना कि 10 लाख जीरो से 5 लाख फ्री है, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स है, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स है। तो आप टैक्स पेयर जितना उनकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी किसी के पैसा जनरेट करने की, उस पर उतना टैक्स बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे, अब जो करोड़ों का पैकेज उठाएगा वो ज्यादा और ज्यादा टैक्स देगा, वो 30% लगभग उसका 30 लाख तक चला जाएगा, 15 लाख से ऊपर का ना। ये स्लैब हर साल बजट में आता है, ठीक है। अगला लिखो रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन जानते हो क्या होता है? ये आपके इनकम के प्रोपोर्शन में नहीं होता। ये जैसे सेल्स टैक्स होता है, अब आप फोन खरीदे आपकी चाहे जितनी इनकम हो, सबको सेम टैक्स पे करना है ना। आपने कोई सामान खरीदा उस पर जो टैक्स लगा हुआ है, वो चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हो आप, यहां उसको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो यहां पर टैक्स लगा हुआ है, समझे? तो क्या होगा ये रिग्रेसिव टैक्सेशन। समझी क्यों पूजा? उदाहरण ही तो समझाया मैंने अभी, बात कर लो तुम तभी मैंने तुमसे। जैसे कोई पेन खरीदा तुमने, अब पेन चाहे अंबानी खरीदे चाहे तुम खरीदो, सेम रेट पे मिलेगा ना, जो टैक्स होगा सेम होगा ना। इनकम से कोई लेना देना, तुम कितना कमा रही हो वो कितना कमा रही, कोई लेना देना नहीं है। पहले भी बताया था ना, तो सेम टैक्स जब देना पड़ा तो ये क्या हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन। सेल्स टैक्स ये किस पे बेस है? कोई आइटम आप कितना परचेज करते हैं उसके ऊपर ये लगता है। इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, कौन कितना कमा रहा है उससे मतलब नहीं है। अगला लिखो तीसरा प्रोपोर्शनल, समानुपात कर, समानुपातिक मेथड। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल हो गया जैसे एक फिक्स परसेंटेज, आप 10 लाख कमाइए, करोड़ रुपए कमाइए, 20 करोड़ कमाइए, 100 करोड़ कमाइए, सब पे 5% अगर टैक्स लगना है तो सब पे लगेगा एक समान, जो परसेंटेज है वही समान टैक्स सब पे लग गया, समझे? किसी को भी अलग अलग स्लैब नहीं बांटे गए हैं, सेम स्लैब में सबको। आपकी इनकम बढ़े या घटे, अगर आपको 10% टैक्स देना है तो सबको देना है, चाहे वो आपके आपके करोड़ रुपए इनकम हो, चाहे आपकी 10 लाख रुपए इनकम हो। समझ में आया? अगला लिखो रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। इसकी हिंदी कौन बताएगा रेट्रोस्पेक्टिव की?
रेट्रोस्पेक्टिव, नहीं पता। तो ललित दूसरी क्लास ना जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी कल तुम्हारी। पढ़े थे क्या पहले से इकोनॉमी? कभी नहीं पढ़े, मतलब जो आपने पढ़ाया वो नहीं पढ़ा था। अच्छा, बाकी वैसे पढ़े हो ना खुद से, तब ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वो टैक्सेशन होता है जैसे कोई कानून आज बना है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या पूर्व प्रभावी ना, पूर्व प्रभावी तो ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आप समझ लो पहले, जैसे कोई लॉ टैक्स का आज बना है, ठीक है, कोई अब इस लॉ को हम बैक डेट में भी ले जाके टैक्स वसूल करें। आज कौन सी डेट है? 13 सितंबर को कानून बना कोई टैक्स का, अब हम 13 सितंबर 2021 या 20 में प्रॉफिट जो कंपनियां कमाई थी उन पे भी वो टैक्स वसूल करना चालू करें या लोगों पे लगाएं, तो ये क्या हो गया? जो कानून आज बना है इसका प्रभाव हम पीछे से जाके ले रहे हैं। जो कानून एक्चुअली में कानून ऐसा होता है ज्यादातर जिस डेट से जो कानून बनेगा उसी डेट से वो लागू होगा, बट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जैसे पहले आपने कुछ लूप होल कर लिया था या कहीं आपने प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया था कम दिया था, तो सरकार को अगर ऐसा कुछ फील होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का रूल ले आई थी, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या हो गया, कोई कानून आज पास हो रहा है बट उसका इफेक्ट इस डेट के पहले से भी लागू कर रहे हैं, समझे, इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहते हैं या पूर्व प्रभावी, हिंदी में पूर्व प्रभावी कराधान। अगला लिखोगे एड वॉलरम, एड वॉलरम, ये नाम ऐसे ही आता है, हिंदी में भी एड वॉलरम लिखा रहेगा, बता रहे हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन। एड वॉलरम एड वॉलरम स्पेलिंग गलत हो गई यार, वी ए एल ओ आर ई एम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और हिंदी में भी एड वॉलरम लिख दिया था, वहां पे नाम यही लिख दिया था। स्पेसिफिक टैक्स है ये, एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है, जो सामान जितना प्रोड्यूस करोगे उस पर ये टैक्स लगता है, वेट में मात्रा में, जैसे एक मात्रा प्रोड्यूस की उस पर जो टैक्स लग गया, 10 मात्रा प्रोड्यूस करोगे तो इस पर टैक्स लगेगा, इस तरह के जो टैक्सेशन सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं, एड वॉलरम। ये अमाउंट ऑफ टैक्सेस क्या है, पर यूनिट जो बेची जाए उस पर लगता है, पर यूनिट सोल्ड पे, वेट में या नंबर में, चाहे जैसे कितने किलोग्राम सेल, कुछ चीजें किलोग्राम में भी सेल होती हैं, कुछ चीजें नंबर्स में सेल होंगी, तो जो पर यूनिट बिकेगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, एड वॉलरम टैक्स। ये एक तरह से क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, जैसे जैसे वैल्यू एड होगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रियल इस्टेट का एग्जाम्पल ले लो, कोई जमीन खरीदा, अब इस पर जैसे वो मकान बनाता जाएगा उसमें टैक्स बढ़ ऐड होता जाएगा, क्या जमीन नहीं, उसमें तो जब बेचोगे ना, बेचने पे आप मकान बनाए उस पर फ्लैट बेचोगे टैक्स जुड़ जाएगा ना। अगला लिखो अब आगे,
अब इस समय ज्यादातर टर्म ही हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। पहला है वेल्थ टैक्स, एक अगली डेफिनेशन है वेल्थ टैक्स। अब ये टाइप्स में नहीं है, मेथड हो गए खत्म, एड वलरम तक सारे मेथड खत्म हो गए। अब कुछ टर्म्स रहेंगे जो आपके टैक्सेशन में यूज होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेल्थ गेन टैक्स आपने लिखा था ना, वेल्थ टैक्स जब आप प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं, जो बेचने से आप जो प्रॉपर्टी से आप टैक्स वेल्थ बनाएंगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, वेल्थ गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं उसको। किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप है अगर उस पर टैक्स लगा तो क्या हो गया, वेल्थ टैक्स। बट उस प्रॉपर्टी को जब आप बेच रहे हैं, जो आपके पास असेट है उसको बेच जब रहे हैं, तब उस पर अगर टैक्स लगा उसके प्रॉफिट पे, वो क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स। नहीं समझ आया? एड वॉलरम समझ में आया सबको ना? एड वॉलरम अलग है यार, वो मेथड है, वो मेथड है, और ये टैक्स है, ये टैक्स का नाम है। एड वॉलरम मेथड था और ये जो है टैक्स का नाम है। वेल्थ टैक्स एक्चुअली में क्या हो गया, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो ओन कर रहे हैं आप, ठीक है, इस पे जो टैक्स लग रहा है क्या है, ये वेल्थ टैक्स। अब इस टैक्स की प्रॉपर्टी जो आपके पास असेट है, असेट और लायबिलिटीज पे कल क्वेश्चन आया था ना, असेट आपके पास पर संपत्ति, जो आपके पास पर संपत्ति है, जब इसको बेच के आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। समझे? क्या हुआ तुम्हें नहीं समझ में आया? जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे नाम पे है ना, उस पे जो टैक्स लगता है वेल्थ टैक्स है। जब होगा ना, बनाओगी तो कभी घर, कोई प्रॉपर्टी होल्ड करोगी ना, कभी ओनरशिप रहेगी ना किसी चीज की, उस पे जो टैक्स लगेगा वो वेल्थ टैक्स होगा। उसके बेचने पे जो जाओगी तो कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर प्रॉफिट हुआ। आज नींद पूरी नहीं है सबकी, क्या टेस्ट खराब होने की वजह से टेंशन हो गई सबको, नींद नहीं आई? क्या हुआ, बड़ी देर से बातें चल रही हैं? आगे क्या हुआ, सब घड़ी क्यों देख रहे हो भाई आज? यार 12:15 के वैसे ही कितने बजे तुम लोग घूम के आए हो, तुम लोग तो बिल्कुल ना बोलो। तो अभी बैठे रहो ना, टैक्सेशन सिस्टम खत्म करना ना आज। अगला लिखो मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तुम लोग किस दिन नहीं थकते हो ये बताओ हमें, रोज तो थकते हो, जैसे 12 बजता नहीं कि लगता है कि घड़ी की तरफ। अल्टरनेटिव टैक्स, मैट, इसको मैट कहा जाता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। अब ये कब लगाया जाएगा, ये कई बार टैक्स रूल्स जो बने होते हैं
उसमें कई कंपनियां क्या करती हैं, उसमें जो बेनिफिट वाले क्लॉज दिए होते हैं कि आप टैक्स से बच जाओ, वो सारे क्लॉज वो यूज करके जीरो टैक्स मोड में चली जाती हैं। वो अपनी सारी प्रॉफिट को दिखा देती हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इस तरह के सारी चीजें इन्वेस्टमेंट और कर देती हैं कि ये दिखेगा उनको पूरी तरह से टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो इस पे सरकार ने ले आया कि भैया कि ये लोगों को जितना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं और जीरो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इन पे हमें कुछ जैसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहत कई काफ़ी कंपनियां बच जाती थी इससे। डबल टैक्सेशन ट्रीटी है एक, उसके तहत काफ़ी कंपनियां बच जाती थी टैक्स पे करने से। तो इसके लिए सरकार ने क्या ले आया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। आपको कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट का टैक्स के फॉर्म में पे ही करना है, समझे। आप पूरी तरह से टैक्स से फ्री नहीं हो सकते कि आप एकदम जीरो हो जाइए। उसी को क्या कहा गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इस पे बड़ा अपोज भी होता है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इसका बड़ा विरोध भी करती हैं। ठीक, समझ में आ गया ना ये, जिसको ना समझ आया वो बताओ अभी एक बार और। ठीक है, चरण ने एक कंपनी बनाई, अब इनकी कंपनी का टर्नओवर है लगभग 50,000 करोड़। अब 50,000 करोड़ में इनको साल में प्रॉफिट हो गया, लगभग 5-6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब लेकिन इनको सारे टैक्स रूल पता थे और कैसे कैसे टैक्स से बचना है, रूल्स में इनको ये भी पता था। इनको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी इन्होंने काफ़ी कम दिखा दिया, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ इनको कम दिखा दिया। अब इनको टैक्स क्या करना पड़ा, टैक्स से बच गए पूरी तरह। अब जब ये टैक्स से पूरी तरह बच गए तो सरकार को होश आया कि इनको प्रॉफिट तो हुआ है जो इनकी बैलेंस शीट है देखा जाए तो, बट ये टैक्स से पूरी तरह बच जा रहे हैं सारे तिकड़म भिड़ा के, तो इनके ऊपर कुछ एक मिनिमम टैक्स तो लगना ही चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, यही मैट हो जाएगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, समझ गए। क्लियर, बस तुम लोग भूल जाते हो, अभी सबको क्लियर हो जाता है। हमारी कॉपी अगला लिखो, बाकी डिटेल पढ़ लेना जाके घर पे किताब से, कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे कई चीजें। हमारा क्या काम है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना, उसके बाद आपको जाके एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। नहीं रीडिंग लगाओगे तो फिर से वही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस गलत होंगे। क्या पढ़नी पड़ेगी, यस। अब हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। अभी पढ़ेंगे कुछ चीजें, तो अभी पढ़ेंगे यार, ऐसा थोड़ी इसका क्या। लिखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एंड सेवा कर, ये कब से लागू हुआ है ये लिख लो, 1 जुलाई 2017 से। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 102, देख लेना ये कंफर्म कर लेना, मुझे लग रहा 101 है, 101। वाह, याद है, मतलब सब लोग अटेंटिव हो, अभी जग रहे हो, तब क्या एनर्जी तो है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल, ठीक है, इसके स्लैब पढ़ेंगे, जो 4 स्लैब में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में जो डिवाइड किया गया है। एक तो जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे, उसके बाद ईवे बिल पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और
इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी ये पढ़ेंगे, और कुछ जो चीजें छोड़ी गई हैं और इस जीएसटी के फायदे नुकसान क्या हैं, ये सब चीजें पढ़ें अभी। यार एक चैप्टर तो पढ़ लेते तुम लोग पूरा आज। कहाँ जीएसटी, अभी कुछ मेजर टर्म बाकी हैं उसमें, ठीक है इसको हम कल करा देते हैं। लेकिन हमें अभी रुको, कल वाले क्वेश्चन कौन कौन करके ले आया है वो लोग हमें बता दो। कर लाए हो, वेरी गुड। और कौन करके लाया है, लिख लाया हो बेटा? अरे वाह, और कौन करके लाया है?